तो जी ऐसा है, पहला क्वालिफायर बहुत शानदार हुआ है, हैदराबाद और केकेआर के बीच में जो मैच हमने देखा, मतलब उस मैच को देखकर मजा आ गया। जिस तरीके से एक टॉप टेबल करने वाली टीम को खेलना चाहिए, केकेआर ने कुछ उसी अंदाज में हैदराबाद के खिलाफ खेला, और सिर्फ खेला नहीं बल्कि जीता भी। अब एलिमिनेटर की बारी है, राजस्थान का इस बार सामना होने वाला है बेंगलुरु की टीम से। दरअसल अहमदाबाद के जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर खेला गया, उसी पर एलिमिनेटर मुकाबला भी है। यह मुकाबला आरसीबी और आरआर के बीच में होना है। यह मुकाबला फाफ डुप्लेसिस और संजू सैमसन की टीमों के बीच में होगा। एलिमिनेटर मुकाबले से तय होगा कि इन दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम आगे जाएगी। अब देखिए किसका सफर खत्म होगा यह भी इसी मैच से पता चलेगा। एलिमिनेटर जीतने वाली टीम आईपीएल 2024 का सेकंड क्वालिफायर खेलेगी, जहां उसकी टक्कर क्वालिफायर वन हारने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद से होगी। साफ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो या फिर राजस्थान रॉयल्स, दोनों ही टीमों के लिए एलिमिनेटर हारना मना है, क्योंकि यहां हारे तो सब हारने वाली बात है। अब ऐसे मैच में जीत उसी टीम को मिल सकती है जो दबाव में अच्छे से खुद को हैंडल करे। वैसे दबाव इस वक्त आरसीबी से ज्यादा आरआर पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने आईपीएल 2024 में मई के महीने में अब तक खेले गए मैचों में से एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं इसी महीने में आरसीबी की टीम का एक भी मुकाबला हारी नहीं है। एक पॉइंट था जब राजस्थान की टीम का टॉप टू में रहना ऑलमोस्ट तय लग रहा था, लेकिन लगातार चार मुकाबले हारने और केकेआर के खिलाफ आखिरी मैच बारिश से झूलने के कारण वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तीसरे स्थान पर रही। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में अपने पहले खेले गए 9 मैचेस में से 8 मैच जीते थे, लेकिन जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ उसकी जीत पर मानो ग्रहण सा लग गया। 2 मई से लेकर 19 मई तक खेले गए 5 मुकाबलों में से लगातार 4 मुकाबले उसने गंवाए, जबकि एक मैच बारिश से धुला। वहीं आरसीबी की कहानी ठीक राजस्थान की उलट है। इस टीम ने मार्च अप्रैल मिलकर करीब करीब 10 मैच में से 3 मैच जीते, लेकिन मई में अब तक खेले गए सभी 4 मैच उसने जीते हैं। अब एलिमिनेटर मैच में मई में ग्रुप स्टेज के आंकड़ों पर जाएंगे तो आरसीबी भी साफ साफ विनर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर क्रिकेट में हर दिन नया होता है, हर दिन टीम को एक नए तरीके से शुरुआत करनी होती। वहीं फैसले का दिन राजस्थान और आरसीबी के सामने भी आ गया। आईपीएल के एलिमिनेटर में ये दोनों टीमों की दूसरी टक्कर है। इससे पहले दोनों टीमें साल 2015 में आमने सामने आई थी, जिसमें कि आरसीबी ने 71 रन से आरआर को हराया था। राजस्थान के लिए मई अब तक भले ही अच्छा ना गुजरा हो, लेकिन अगर उसने आरसीबी को अहमदाबाद में खेले जाने वाले एलिमिनेटर में हरा दिया तो फिर इससे ना सिर्फ मई में उसके लिए माहौल बदल जाएगा, बल्कि आरसीबी को एक और बार खिताब से दूर कर वो 9 साल पुराना हिसाब भी बराबर कर सकती है। जॉस बटलर के इंग्लैंड लौट जाने से उनकी बैटिंग पर भी असर पड़ा है। अब यशस्वी जायसवाल, कप्तान सैमसन और रियान पराग को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ में खेलना होगा। सैमसन और पराग के अलावा इंग्लैंड के टॉम हॉलर से भी अच्छी पारी की उम्मीद है, जो कि जायसवाल के साथ में पारी का आगाज कर सकते हैं। वहीं शेमरन हटमान निचले क्रम पर मजबूती दे सकते हैं, हालांकि अभी तक बल्ले से इस पूरे सीजन में उनके कोई खास चीज आई नहीं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाकी मैदानों की तरह बल्लेबाजों की अशगा नहीं माना जाता, लिहाजा यहां रॉयल्स के गेंदबाज काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस मैदान पर इस सीजन में 12 पारियों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 200 पार का स्कोर बना है, यानी अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं तो आपका पल्ला भारी रहेगा। इस पूरे सीजन में 14 मैचों में 708 रन बने हैं, मतलब अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सीजन में विराट कोहली ने अब तक 14 मैचों में 708 रन बनाए हैं, वो ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। कप्तान फाफ डुप्लेसिस भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि रजत पाटीदार ने भी 5 हाफ सेंचुरी जमा दी। इंग्लैंड के विल जैक्स के जाने से आरसीबी पर असर कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि निचले क्रम पर दिनेश कार्तिक ने एक बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ में बहुत बढ़िया रन बनाए। पिछले मैच में यश दयाल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ काफी बेहतरीन बॉलिंग करी थी। तो एक बात तो तय है कि यहां पर दोनों ही टीमों के पास में अपनी ताकतें और अपनी कमजोरियां हैं, पर पड़ला यहां पर किसका भारी रहेगा ये एक बहुत ही ज्यादा देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।